ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, स्वागत करता हूँ आपका नए ब्लॉग में। तो आज का सीन ऐसा है कि हम गर्मी में बहुत त्रस्त हो गए थे। त्रस्त का सीन ऐसा कि मतलब रीवा में बहुत गर्मी पड़ी, 42 डिग्री सेल्सियस। तो हम आसपास घूमे तो वहाँ का हमें पता चला कि वाटर पार्क है तो वो बंद है, क्या सीन है कुछ पता नहीं था। तो हमें एक जगह पता चली कि टोंस में आ जाओ, जो हमारा पुराना अड्डा था। टोंस हमेशा ही रहता है, सीजनल है, मतलब सॉरी परनियल इन नेचर, तो हमेशा वहाँ बारिश रहती है, मतलब वाटरफॉल रहता है। तो हम आ गए टोंस, तो गर्मी बहुत थी, अब हम लोग आ गए। तो आप देखिए कैसा सीन है यहाँ का, आप तब तक सिनेमेटिक व्यू एंजॉय कीजिए कितना। तो मैं टोंस पिछले साल भी आया था अपने दो दोस्तों के साथ, मैं तीसरा था। तो इस साल वो दोस्त तो है नहीं, मैं आया हूँ अपने भैया जी के साथ। ये रहे मेरे भैया जी, बदल रहे हैं क्या, कपड़े बदल रहे हैं। तो मैं इनके साथ आया हूँ और काफ़ी इंजॉय करेंगे यहाँ पे, मतलब गर्मी का मज़ा लेते हुए आए तो अब यहाँ पे कुछ बारिश का भी मज़ा लेंगे। काफ़ी बढ़िया माहौल बना हुआ है यहाँ पे, बहुत सारी हरियाली देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं ना हरियाली का मतलब, नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा क्या होता है इसका मतलब। पानी तो ऊपर साफ है, मैं दूसरी बार गया नहाने के लिए, मतलब दूसरी बार नहाने के लिए गया, बहुत मज़ा आया। मेरे साथ ये जो भैया है ना, मैं इनको मैं हैदराबाद से लेके आया हूँ, काफ़ी दूर से आए हैदराबाद, तेलंगाना ना, तेलंगाना इसके ओवैसी का हैशटैग ओवैसी। आपको कैसे लग रहा है, मज़ा आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है भैया। बहुत सारी जगह पे घूम चुके हैं, वाई जेक जा चुके हैं, यूके जा चुके हैं, जम्मू जा चुके हैं, तो उनके लिए बिल्कुल नई जगह है, काफ़ी मज़ा आया उनको, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम लोग धीरे धीरे और एक्सप्लोर करेंगे जैसे प्लान बनता है, आप तो देखेंगे। तो टोंस वाटरफॉल का हाल कुछ ऐसा है कि ये एमपी टूरिज्म के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे सीन इतना बढ़िया लगता है ना गर्मी में, अगर आप आते हैं अपने दोस्तों के साथ। बस प्रॉब्लम एक ही रहती है कि वहाँ की सीढ़ियाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम तो होगी नहीं। बहुत बढ़िया सुंदर नज़ारा है, प्रकृति का एक नंबर का दर्शन होगा आपका यहाँ पे। और मैं तो यहाँ पे काफ़ी देर से इंजॉय कर रहा था, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा हूँ मैं कितना थक गया हूँ, पर यहाँ पे जो नॉइज़ है ना उस कारण से ऐसा फील हो रहा होगा। होप आपको ये वाला वीडियो पसंद ही आ रहा होगा। और बाकी आपको अगर मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखना है टोंस से रिलेटेड, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। अब मैं थक गया हूँ, तो थकने के बाद लगती है भूख, तो मैं घर से जो भी खा के आया था वो सारा गया है पच, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना उतरना नहाना ये सारा बहुत बड़ा सीन हो गया। तो मैं थोड़ी बहुत चिप्स लूँगा, और चिप्स खाने के बाद मैं अपना जो कचरा है वो अपने बैग में रखूँगा, ना कि फेंकूँगा सबकी तरह। मैं लौटते वक्त आपको दिखाऊँगा यहाँ पे कितने सारे लोगों ने कचरा करके रखा है। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। हमारे यहाँ पे चल रहा है लंच, लंच या ब्रंच, सुबह भी नहीं खाया था। भैया हमारे साथ, भैया को काफ़ी मज़ा आ रहा है, बताया ना वो कहाँ कहाँ घूमता है। बोले मैं हैदराबाद में रहता हूँ, यहाँ पे कोई दोस्त वोस्त है नहीं, चलो। मैं उन्हें बोला चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे लंच करने के बाद। हमने खाना पीना तो खा लिया, खाना खाने के बाद फिर से नहाएंगे, मतलब नहाना ही है जीवन में, कुछ नहीं है नहाने के अलावा, कुछ ही नहीं है क्या, कुछ सीन हो रहा है क्या। भैया भैया को घर नहीं जाना है, भैया को यहीं पर रहना है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। जाने दे, जाने दे जो भी ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उमर ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। हमने तो नहा लिया, भैया को बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। भैया ने बोला ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, उससे भी बढ़िया था। और हमें अब लग रही है बहुत ज्यादा ठंड, क्योंकि हमने हद से ज़्यादा नहा ली, तो हमें होगी पक्का सर्दी। और अब हम जाने के लिए संघर्ष करेंगे पिछली बार की तरह, और इस बार मैंने देखा कि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं ना वो टूट गई हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग जो आते हैं उसको ध्यान रख के आएँ, आराम से आने चाहिए। देखिए यहाँ पे जो सीढ़ियाँ टूटी हुई कैसे जा रही हैं, ये ऐसे नीचे यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मतलब तोड़ दी गई हैं, टूट गई हैं, पता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा जो चार्जेस हैं ना इनको लेने चाहिए, इतने सारे लोग आते हैं, 20-20, 30-30 भी लेंगे ना तो वो उनके रिनोवेट हो जाएगा, मतलब
जो सीढ़ियाँ वो रिनोवेट हो जाएंगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी यहाँ का सीन तो मज़ेदार है, मनमोहक है, प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभूति होगी, समझ रहे हैं ना अभी। बाकी अब चलते हैं, सीढ़ियों का क्या सीन है वो मैं आपको दिखा। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किन सीढ़ियों की बात कर रहा था। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही ना, यही सीढ़ियाँ खतरनाक है, यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए रेलिंग नहीं लगी हुई है। मैं तो यही कहता हूँ चार्ज करना चाहिए कुछ आने जाने का, जिससे यहाँ पे सुविधा रहे, यहाँ पे खतरा हमेशा बना ही रहता है आने के लिए। नज़ारा काफ़ी सौंदर्यमय है, मज़ा ही आ रहा है आने के लिए। रिवर्स ये 50 किलोमीटर के लगभग होगा। आप आराम से आ सकते हैं अपने बाइक से या बस से, कहीं से भी आ सकते हैं। सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी कठिनाई के सामना बहुत ज़्यादा, भैया लोग त्रस्त हो गए हैं, ये लोग मतलब भैया त्रस्त हो गए, मैं भी त्रस्ती हो गया हूँ। एनर्जी के लिए हमने क्या खाया, मूंग दाल पोहा, वही चल रहा है अभी, थोड़ा बहुत बचा होगा तो हम जाएंगे तो आगे खाएंगे। बीच में बैठने की सुविधा है, अब बैठ सकते हो, अब बैठ भी जाते हैं, अब बैठ जाते हैं, थक भी हैं। पर यहाँ भी जुआ केसरी ऐसे ही है ना, जुआ केसरी। अरे हाथी, हर जगह ऐसा ही सीन है यहाँ का। हमने लगभग चढ़ाई कंप्लीट ही कर ली है, थोड़ा सा ही बचा है। थोड़ा सी में ही हालत गंभीर हो गई, हमारे साथ बहुत सारे लोग वहाँ पे ताके हुए हैं बैठने के लिए, तो हमने टोन्स का सफ़र यहीं पे कवर ही कर लिया सारा कुछ। हम धीरे धीरे चलेंगे, भैया कह रहे हैं उसको दिखा दो, दिखा ही देते हैं भैया जी इसको, बोल रहे दिखाने के लिए। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में, आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। टोन्स में नहाने का जो मज़ा है ना, उसके बाद जो लौटने का जो सजा है वो हम भुगत रहे हैं। अब हमारी हालत हो गई है गंभीर, और जैसे वहाँ पे नीचे हमें ठंडा लग रहा था वैसे ऊपर हमें अब गर्मी लग रही है। गर्मी के कारण लग रहा है मुंह पे कोई गरम गरम भाप फेंक रहा है, इतनी हालत गंभीर हो चुकी है हमारी। और हम कहीं ना कहीं छोटा सा ब्रेक ज़रूर लेंगे। तो टोन्स का सफ़र बहुत ही बेहतरीन था, मतलब गर्मी में वाटर पार्क जाने से बढ़िया आप यहीं आओ, नेचुरल स्ट्रीम, आप वाटरफॉल बहुत सारे हैं रीवा में, तो 9 या 8 तो होंगे ही छोटे मोटे करके, आप सर्च कर लेना गूगल पे, आप घूम सकते हो अगर आप रीवा के हो तो। बताना क्या, रीवा वाले तो कमेंट में भर देंगे। तो हम टोन्स नहाने के बाद आ गए हैं टोन्स के हाइड्रल पावर स्टेशन पे। तो टोन्स का हाइड्रल पावर स्टेशन का सीन ऐसा है कि इतना बेहतरीन है यहाँ तो, मतलब 3 जनरेटर थे मैंने बताया था, सॉरी 3 टरबाइन थी, उनमें से 2 तब काम करती थी, मतलब था तो 2 काम करती थी, 1 ख़राब थी, और अब का क्या सीन है कुछ पता नहीं है। तो टोन्स का सीन ऐसा है कि आप देख ही सकते हो इतनी नीचे ऊंचाई पे कि मैं डर ही रहा हूँ, एकदम से देखूंगा नीचे तो लगता है मैं गिर जाऊँगा, ऐसा सीन है। बहुत बढ़िया यहाँ का वो है, देखिए वहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है टोन्स की, वहाँ पे ये 3 पाइपें हैं जो पानी सप्लाई करती हैं टरबाइन पे, टरबाइन शायद वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ से टरबाइन के बाद जो पानी बचता है वो एक्सेस वाटर वहाँ पे निकलता है, वहाँ से फिर वो फ्लो होता है नीचे नदी में मिल जाता है, उधर फिर चला जाता है। तो ये यहाँ पे एक स्पॉट बनाया गया है घूमने के लिए, मतलब कि घूमने से मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पे एक स्पॉट बनाया गया, सेल्फी पॉइंट बोल सकते हैं आप यहाँ पे। और बहुत मज़ा आया मुझे, काफ़ी रिफ्रेशिंग था नहाने के बाद, और भी बढ़िया लगा। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गाड़ी का तेल निकाल लिया इन लोगों ने, मुझे ऐसा फील हो रहा है, शायद ना निकाला हो पर फील तो हो रहा है भाई। तो ख़तरनाक सीन है, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा ही आ गया। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी। क्यों हमने एक बात और गौर की यहाँ पे कि जो पहाड़ है ना, ये दिख रहे होंगे आपको नीचे, इस पर इन लोगों ने वो कर दिया, सीमेंटेड कर दिया, जिससे जो पत्थर वत्थर हैं वो नीचे ना जाएं, किसी के लगे ना। और हाँ, इतना मतलब यहाँ से देख रहा हूँ मैं तो मुझे एकदम विशाल का दृश्य देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार ज़रूर जाऊँ यहाँ पे, पर मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगा। मुझे जाने का मन तो है पर मैं जा नहीं पाऊँगा। YouTube चैनल में हाइक हो जाएगा, भैया का हाइक हुआ है ना अभी 150% तो मेरे YouTube चैनल पे हाइक हो जाएगा। तो भैया को ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा क्योंकि मैंने इन्हीं के सामने बनाया है, तो इनको एक नंबर का ब्लॉग लगा होगा, लगाया अच्छा, ना आपको अच्छा, बिल्कुल हाँ। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मेरे साथ रहते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए, बता सब्सक्राइब है
ऐसे सब्सक्राइबर का मैं क्या करूँ बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यही नहीं करेंगे तो आप लोग क्या कर लेंगे भाई? वो तो मतलब दिखाने के लिए कि सब्सक्राइब है, वो मुझे पता है। तो ठीक है, आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा? पसंद आया होगा क्या, आया ही है। नहीं आया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हर बार की तरह सुधार करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। अरे बोलो ना, सूरज की किरणें आने दे मेरे मिस, अब चल जाने दे जो भी हो जाके।